त्रिकोणमिति में आपके बीच में आज हम उपस्थित हैं अपवर्तक कोण के साथ। अपवर्तक कोण कहते किसको है, पहले से हम जानते हैं। ए अगर है कोई एंगल, ए का अपवर्तक समझकर ए बाई टू, ए बाई थ्री इस रूप का। अब जैसे अगर हमसे पूछा जाए आठ का अपवर्तक, तो आठ का अपवर्तक अपवर्तक को गुणक कहते हैं, भाजक कहते हैं, फैक्टर डिवीजन। वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिससे आठ में भाग होता है, यानी आठ को जो भाग है वही संख्याएं आठ का अपवर्तक कहलाती हैं। आठ का अपवर्तक आठ, आठ बटे दो यानी आठ चार, उसके बाद दो एक। अब ये आठ चार दो एक पूर्णांक अपवर्तक है, लेकिन वो सारे जिससे जिससे हम उसको फैक्टर यानी डिवीजन कर सकते हैं वो सब अपवर्तक कहलाते हैं। लेकिन पूर्णांक अपवर्तक जब कहना होगा कि आठ का अपवर्तक बताइए, सामान्यतः अपवर्तक पूछा जाता है तो पूर्णांक अपवर्तक ही पूछा जाता है आठ चार। अब ए का अपवर्तक यानी ट्रिग्नोमेट्री में जब हम अपवर्तक कोण कहते हैं तो ए बाई टू, ए बाई थ्री आदि के रूप के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ए बाई टू के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखेंगे, थीटा बाई टू के रूप में देखेंगे, ए बाई थ्री के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए बाई टू के रूप में टी आर, ए बाई टू के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तुम्हें ध्यान में होगा साइन टू ए बराबर हमने एक फॉर्मूला देखा था बी है, साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए। इसलिए अगर हमसे साइन ए पूछा जाए, एंगल में इधर डिवाइड कीजिए साइन ए बराबर, तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। यहां से देखें इधर हमने टू ए था, दो से डिवाइड किया एंगल को, तो उधर भी हो जाएगा दो से एंगल डिवाइड, तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। साइन ए बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। एक और फॉर्मूला था इसका टू टेन ए बटे वन माइनस सॉरी वन प्लस टेन ए स्क्वायर। इसको अगर हम उस तरह से करते तो ये होता साइन ए बराबर टू टेन ए बाई टू बटे वन प्लस टेन ए स्क्वायर ए बाई टू। तो साइन ए का हमारा वो फॉर्मूला हो गया साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू और टू टेन ए बाई टू बटे वन प्लस टेन ए स्क्वायर ए बाई टू। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमें कॉस ए के बराबर पढ़ना है तो कॉस टू ए का जो फॉर्मूला हम जानते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कॉस टू ए दूसरा बी है कॉस टू ए। कॉस टू ए का हमने देखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए और वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इससे अगर हमको कॉस ए करना हो, कॉस ए कैसे निकालेंगे, इससे टू ए में हमने डिवाइड किया दो से तो ए आया, उधर से शुरू करें देख सकते हैं पहला कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, दूसरा लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, तीसरा लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू और चौथा लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा कॉस ए। इसमें जो दो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए कॉस ए बराबर, इससे जो दो कॉस ए हमने लिखा है कॉस ए इजिकल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, वन को इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर
वन प्लस कॉस है। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका उपयोग काफी होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर वन प्लस कॉस ए बाई टू। दूसरा, इसे हमारा एक और आया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर में, यानी कॉस ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। टू साइन स्क्वायर ए बाई टू को इधर लिख दें, इसको उधर ले जाएं, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर आता है हमारा वन माइनस कॉस ए। इसलिए साइन ए बाई टू बराबर वन माइनस कॉस ए बटा टू। तो हमें इस कॉट विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाई टू बटा वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाई टू। और इससे जो ये फॉर्मूला आया है, यानी वन प्लस कॉस ए बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और वन माइनस कॉस ए बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई टू। ये हमको बहुत ध्यान में रखना है। अब इससे अगर हमसे ये पूछा जाए कि वन प्लस कॉस ए बटा साइन, थोड़ा सा देखिए इसको, वन प्लस कॉस ए को यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। और साइन ए को चाहे तो हम पीछे जो लिखे हैं फॉर्मूला उससे टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, टू से टू कट गया, आया क्या हमारा कॉस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, यानी कि कॉट ए बाई टू। बहुत बहुत ध्यान में रखना हमारा वन प्लस कॉस ए बाई साइन ए बराबर आएगा हमारा कॉट ए बाई टू। इसी तरीके से अगर हमें वन माइनस कॉस ए बैठाएंगे तो टू साइन स्क्वायर, यानी इसी प्रकार से वन माइनस कॉस ए बाई साइन ए बराबर आएगा हमारा टेन ए बाई टू। बहुत उपयोग इसका आएगा, इस दोनों फॉर्मूला का काफी इस्तेमाल होगा जब हम खास करके कॉट साढ़े सात डिग्री टेन साढ़े सात डिग्री इस सबका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो उस समय हमको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेन के रूप में हम देखते हैं टेन के रूप में ए बाई टू, यानी टेन के लिए अपवर्तक को टेन ए बाई टू। तो इसको मिटाते हैं, टेन का इसी प्रकार से हम जानते हैं वी हैव टेन टू ए टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। इस आधार से टेन ए करेंगे हम हाफ से डिवाइड कीजिए टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। और एक फॉर्मूला और हमें ध्यान में रखना है, कॉट टू ए बराबर हम लोग जानते हैं होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बाई टू कॉट ए। इससे हम करेंगे तो कॉट ए बराबर कॉट स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन बटा टू कॉट ए बाई टू। ये हमारा कुल मिला जुला करके था ए बाई टू के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसका इस्तेमाल करके अब हम ए बाई थ्री के रूप में जाओ। उसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा ए बाई टू के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पी आर ए बाई टू था, इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे क्या, इसका इस्तेमाल करके हम साढ़े बाईस डिग्री के लिए पी आर निकालेंगे, साढ़े सड़सठ डिग्री के लिए पी आर निकालेंगे, साढ़े सात डिग्री के लिए पी आर निकालेंगे। यानी जब कभी भी दिखाई दे कि साढ़े बाईस डिग्री साढ़े सड़सठ डिग्री साढ़े सात डिग्री इस तरीके का है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक जैसे हम देखते हैं साइन साढ़े बाईस, अगर हमको निकाला हो साइन साढ़े बाईस का, साढ़े बाईस डिग्री में साइन साढ़े बाईस का वैल्यू देखते हैं
साइन 22.5 डिग्री। देखिए बी है, अभी हमने लिखा था कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस 2 sin² a/2, और इससे अगर हम इधर करें 2 sin² a/2 बराबर लिख सकते हैं होता है 1 माइनस cos a। यहां में देखिए a by 2 के जगह सारे वाइज पुटिंग a by 2 बराबर सारे वाइज, ये 45/2 इंप्लाइज a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। जहां a by 2 है वहां सारे वाइज बिठाइए और a है उसकी जगह 45 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 2 sin² 22.5 बराबर 1 माइनस cos 45। cos 45 होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी √2 - 1/√2। उसका रेशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, तो 2 - √2/2 ये आया हमारा 2 sin² 22 के बराबर। इसको sin² 22 करेंगे, sin² 22 बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 - √2/4। इसलिए sin² 22 बराबर √2 - √2/4। अब देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो नियम कहता है कि उधर प्लस माइनस चिन्ह होना चाहिए, स्क्वायर हटने पर प्लस माइनस चिन्ह होगा, लेकिन हम नहीं देंगे, केवल प्लस चिन्ह से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 22.5 डिग्री प्रथम चरण में होता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां हम प्लस का ही चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बाहर आएगा 1/2, इसलिए sin² 22 बराबर वैल्यू आ गया 1/2 2 - √2। तो इस तरीके से हम अगर हमें अगर cos 22 का अगर निकालना तो बस क्या करना था, cos a बराबर हम बैठाते 2 cos² a/2 - 1, यानी कि यहां पर 1 + cos a हो गया। इस तरह से अगर हम चाहें तो cos 22 हम लिख दे, सीधे लिखते हैं cos 22 डिग्री बराबर हो जाता है 1/2 2 + 1। अब अगर हमारा tan 22 से अगर होना था तो हम भाग दे देते, sin² 22 cos² 22 करके निकाल सकते। तो इस तरीके से 22.5 के लिए इस प्रकार से निकाले। अब देखिए sin² 22 डिग्री इक्वल्स टू cos 67 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 - θ बराबर sin θ, और cos 22 बराबर sin 67 डिग्री। तो ये था हमारा 22.5 के रूप में जब ऐसा निकालना होता। अब एक सवाल है 7.5 डिग्री या 4.25 डिग्री इसका, तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे tan 7.5 डिग्री cos 7.5 डिग्री का मान। बहुत बहुत धन्यवाद।